आप सभी ने छिपकली तो कहीं ना कहीं देखी ही होगी। आम तौर पर सभी घरों में छिपकलियाँ मिल जाती हैं, मगर क्या आपको पता है छिपकली की कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं। दुनिया में छिपकली की लगभग 6000 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ छिपकलियों की प्रजातियाँ अंडे देती हैं, जबकि कुछ छिपकली सीधा बच्चे को ही जन्म देती हैं। कुछ छिपकली की प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो दिखने में लगभग सांप की तरह ही दिखती हैं, क्योंकि उनके पैर इतने छोटे होते हैं, अगर ध्यान से ना देखें तो इनके पैर दिखाई नहीं देते। कछुए और मगरमच्छ की तरह ही छिपकली लिंग का निर्धारण तापमान के अनुसार ही होता है। कम तापमान पर अंडे विकसित होने पर मादा छिपकली निकलती है, जबकि अधिक तापमान पर अंडे का विकास होने पर नर छिपकली निकलती है। छिपकली को बार बार जीभ निकालते हुए तो देखा ही होगा, दरअसल ऐसा वह सूंघने के लिए करती है। इस तरह की छिपकली जीभ बाहर निकाल के अपने आसपास के वातावरण को चेक कर दूसरे जीवों से खतरे को पता करती है। छिपकली के दांत हर बार टूटने के बाद फिर से नए आ जाते हैं। छिपकली जन्म से ही गूंगी होती है, यानी छिपकली थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकाल सकती। ये छिपकली आपस में बात करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेती हैं। छिपकलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अपनी आंख से खून की धार तक फेंक सकती हैं। ऐसी छिपकलियों के उनके आंख के पास एक छोटा सा सिंक होता है, इसी की मदद से वह ऐसा करती हैं। इनकी आंखों से निकलने वाला एक खून की धार 2 फीट से लेकर 4 फीट की दूरी तक भी जा सकती है। छिपकली रंग बदलने में बड़ा ही माहिर होती हैं। किसी शिकारी से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो ऐसा करती हैं। छिपकली किसी दुश्मन द्वारा पकड़े जाने पर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने शरीर से अपनी पूंछ को अलग कर लेती हैं। हालांकि कुछ समय बाद उनकी पूंछ फिर से उग आती है।